हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन, सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। जीआर एलईडी लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। महापंडित ज्ञानी शिव का परम भक्त था रावण, राक्षस राजा। मुक्ति प्राप्ति के लिए प्रभु श्री राम से वैर किया राक्षस राजा, रावण राजा। राक्षस योनि से राक्षस जाति को मुक्त कराता राक्षस राजा, रावण राजा। महाबली राक्षस राजा धरती को रोंद रहा था, अहंकार में धरती पर वो अत्याचार करता था। सारे देवता ऋषि मुनि सब जाते विष्णु दरबार, जगत के पालनहार विष्णु से करते करुण पुकार। सत्यमेव जयते कहके विष्णु जी ने समझाया, धर्म पुनः स्थापित करने मैं आऊंगा बतलाया, मैं आऊंगा बतलाया, मैं आऊंगा बतलाया। प्रभु ने राम अवतार लिया रावण का अंत करने, पंचवटी में सुर्प नका होती मोहित श्री राम पे। नाक काटी रावण के बहन की लक्ष्मण ने तलवार से, कटी नाक ले सुर्प नका पहुंची रावण दरबार में। रावण रावण राक्षस राजा, बदला लेने साधु भेष में रावण ने सीता का हरण किया, पुष्पक विमान में बैठा के लंका में प्रवेश किया। घर का भेदी लंका ढाए लात मार विभीषण को, देख शरण विश्वास पात्र बनाते राम विभीषण को। कुंभकर्ण रावण के साथ भ्राता का धर्म निभाता है, कुंभकर्ण का वध करके मुक्ति दिए श्री राम, मोक्ष दिए श्री राम ने, मोक्ष दिए श्री राम ने। इंद्रजीत रावण का पुत्र करता युद्ध घमसा, लक्ष्मण के हाथों मार गया हुआ उसका कल्याण। रावण की सेना का उद्धार हुआ श्री राम से, रावण के योद्धा सारे गए वैकुंठ धाम में, दानव गए वैकुंठ धाम, सारे गए श्री राम धाम। योद्धाओं का अंत हुआ रावण
रण आता रण आंगन में, छल बल नीत अनीत से लड़ता है श्री राम से रण में। श्री राम जी उसके दस दस शीश काटते हैं जाते, एक शीश कटे दूजा आ जाए भेद समझ ना पाते थे। विभीषण ने नाभि अमृत का प्राण रहस्य बतलाया, श्री राम का बाण लगा और रावण का उद्धार किया। रावण का उद्धार किया, रावण का उद्धार किया। आसमान में लाली छाई, सागर का जल हुआ ला, सारे कुल का कल्याण कराया, उसका भी होता उद्धार। जब तक है श्री राम नाम तब तक है रावण गाथा। रावण राक्षस के मरते ही करे देवगण जय जय का, श्री राम का राज तिलक हुआ चारों ओर जय जय का। स्वर्गीय दशरथ और ब्रह्मा जी ने आकर दिया आशीर्वाद, अवध में जय जयकारा, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। Shining.
खो बैठी चित चैन, राम रूप को देख के चकाचौंध भय नैन। फैलाने लगी निज माया, इच्छा कृत रूप बनाया, इच्छा कृत रूप बनाया, फैलाने लगी निज माया। अंबर से पर गिरी लगा काम का बाण, झुलस उठी कामाग्नि में, बस में रहे न प्राण। नमस्कार देवी, आपका परिचय? मैं इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली राक्षस कुल की राजकुमारी शूर्पणखा हूँ। मेरा नाम कामवल्ली भी है। राजकुमारी शूर्पणखा? हाँ, लंकेश्वर त्रिलोक विजय रावण का नाम तो तुमने सुना ही होगा। मैं ऋषि पुलसी की पौत्र, महात्मा विश्रवा के पुत्र, महाराज महाबली विश्व विजयी तेजस्वी रावण मेरे भाई हैं। महाबली कुंभकर्ण और विभीषण भी मेरे भाई हैं। इस विशाल जनस्थान पर जिनका पूर्ण अधिकार है। देवी, देवताओं के समान पराक्रम वाले और परम धर्मात्मा महाराज दशरथ का नाम तो सुना होगा। मैं उन्हीं अयोध्या नरेश दशरथ का पुत्र हूँ, राम। राम? राम से किस काम की आशा लेकर असुर सुंदरी के कोमल चरण इस कुटिया तक आए हैं? प्रथम दर्शन से ही मेरा मन तुम में आसक्त हो गया है। तुम्हारी रूप यौवन से आकर्षित होकर खींची चली आई हूँ। पति की भावना रखकर प्रेम अर्पण करने आई हूँ। मुझे अपनी भारिया के रूप में स्वीकार करो। आदरणीय असुर बाला, हे भद्रे, क्या तुम मेरी परीक्षा लेने आई हो? नहीं सिंह पुरुष, मैं आत्मसमर्पण करने आई हूँ। तुम्हारी सुंदर सजीली रूप में मुझे अपने सपनों का कंत मिल गया है। मुझसे गंधर्व विवाह रचाओ। मैं विवाहित हूँ। ये मेरी परिणीता धर्मपत्नी सीता है। ये कौन है तुम्हारी जैसा सुंदर और सजीला? ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। अकेला है? हाँ, वन में तो अकेला ही है। क्यों जी लक्ष्मण जी, अकेले हो? कहिए आपको क्या कष्ट है? मैं हर तरह तुम्हारे योग्य हूँ। तुम मेरे योग्य हो, मेरा परिणय प्रस्ताव स्वीकार करो। भद्रे, स्वामी को छोड़कर सेवक के पास क्यों चली आई? क्या तुम्हारी दृष्टि में स्वामी और सेवक में कोई अंतर नहीं? जाओ, वहीं जाकर अपनी मनोकामना की याचना करो। मैं यहाँ याचना करने नहीं आई। तुम दोनों भाई मेरे प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा रहे हो केवल इस क्षुद्र स्त्री के कारण। इसका तुम्हें नामो निशान मिटा दूंगी। तुम्हारे सामने इसे अभी खा जाऊंगी। लक्ष्मण, अब भी इस कोमल ककड़ी को चबा कर खा जाऊंगी। तब तक तुम मेरे साथ विवाह करोगे? काटी काटी मेरी नाक। यदि दंडकारिण्य में तुम दोनों की चिता ना जला दी तो मेरा नाम शूर्पणखा नहीं, मैं रावण की बहन नहीं। लंकेश्वर महाराज रावण की दुहाई है,
मुझ पर अत्याचार किया गया है महाराज, लंकेश्वर महाराजा रावण की दुहाई है। क्या हुआ शूर्पणखा? ये कैसी गति बना रखी है? तुम्हारी नाक पर ये घाव कैसा? ये घाव नहीं है, तलवार से प्रहार किया गया है। क्या, तलवार से प्रहार? हाँ भैया, ये शूर्पणखा की नाक नहीं कटी है, ये लंकेश्वर महाराजा रावण की नाक काटी गई है। वो मानव है या भगवान? स्वयं भगवान विष्णु के लिए भी अकेले ऐसा साहस करना कठिन हो सकता है। हाँ भैया, वो है तो मानव ही, लेकिन कोई अलौकिक मानव दिखता है। उसका छोटा भाई भी साथ है। दोनों के रूप में ऐसी मोहनी है कि एक बार देख लो तो दृष्टि हटाने को जी नहीं चाहता। उनके साथ एक स्त्री भी है जिसके रूप को एक बार देख लो तो कामदेव भी मोहित हो जाए। महाबली लंकेश्वर, वो कौशल देश के राजा दशरथ के पुत्र हैं राम और लक्ष्मण। वे बड़े ही यशस्वी और तेजस्वी दिखाई देते हैं, उनके बल और पराक्रम की कोई तुलना नहीं है। लंकेश्वर, उन उद्दंड वनवासियों ने आपकी बहन पर घात किया है, एक स्त्री पर शस्त्र प्रहार किया है। आप भी प्रतिघात कीजिए, उनकी स्त्री का मान मर्दन करके अपनी बहन का बदला लीजिए। भैया, छल से, बल से, कौशल से सीता को उससे जुदा कर दो। भैया, उसका गर्भ भंग होगा तभी मेरा कलेजा ठंडा होगा। होगा, यही होगा बहन, यही होगा। उनसे बैर मोल लेने से पहले अच्छी प्रकार सोच लेना चाहिए। आप राजा हैं, आप जो भी करेंगे उसका परिणाम आपकी सारी प्रजा को भुगतना पड़ेगा। आपका कोई कार्य व्यक्तिगत नहीं हो सकता महाराज। प्रकृति के अद्भुत कारीगरी, वो अनोखा हिरण। स्वामी, इसे किसी प्रकार पकड़ लीजिए ना। अब मेरी इतनी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकते। लक्ष्मण, लगता है सीता मृग को पाए बिना मानेंगी नहीं। मैं भी चाहता हूं। भैया, मुझे अब भी संदेह है कि कोई राक्षसी माया ना हो। यदि राक्षस ही हुआ तो उसका अंत होना भी आवश्यक है। लक्ष्मण, तुम पर्णकुटी में सीता के साथ सावधानी से इनकी रक्षा में रहना, कहीं तुम्हारा संदेह सत्य ना हो। मैं जानकी की इच्छा पूरी करने के लिए इस कांचन रथ के पीछे जाता हूं, जीवित अथवा मारकर शीघ्र लौटाऊंगा। लेकिन सावधान लक्ष्मण, वन में कई राक्षस घूमते रहते हैं, इसलिए किसी भी स्थिति में सीता को अकेली मत छोड़ना। जो आज्ञा भैया।
लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण, फांसीते फांसीते फांसीते। लक्ष्मण, 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 तुमने सुना? बचाओ, बचाओ। से हमें बुला रहे हैं, वो अवश्य किसी संकट में फंस गए होंगे। उनकी आवाज में कितनी करुणा है, लगता है बहुत सारे राक्षसों ने उन्हें घेर लिया होगा। लक्ष्मण, तुमने नहीं सुनी उनकी पुकार? सुनी है भाभी। तभी तुम यहीं पर खड़े हो। जाओ लक्ष्मण, जाओ, जाके उनको बचाओ। लक्ष्मण, क्या हुआ, तुम जाते क्यों नहीं? क्योंकि मैं जानता हूं भैया किसी संकट में फंस ही नहीं सकते। लक्ष्मण, क्या तुम राक्षसों के डर के मारे अपने प्राण बचाने के लिए नहीं जा रहे? मैंने तुम्हें इतना कायर कभी नहीं समझा था। भाभी, अपने भाई के सामने धनुष उठा उठाकर अपनी वीरता के डिंगे मारते रहते हो, और आज आज तुम सचमुच वीरता दिखाने का अवसर आया, तुम डरे हुए चूहे की भांति अपने बिल से निकलना नहीं चाहते। भाभी, भैया मुझे क्षमा करना। माता, गुरु की दी हुई मंत्र शक्ति से मैंने यहाँ एक अदृश्य दीवार बना दी। कोई भी इस लक्ष्मण रेखा को पार करके अंदर आने का साहस करेगा तो जलकर भस्म हो जाएगा। इसलिए माता, मेरी आपसे विनती है, किसी भी परिस्थिति में राम भैया के आने तक आप अपने चरण इस रेखा से बाहर न रखें। कल्याण हो देवी, हम बहुत दूर से आए हैं और भूखे हैं। तुम्हारी कुटिया देखकर इस आशा से यहाँ आए हैं कि हमें कुछ खाने को मिल जाएगा। कृपा करके अब वही ठहरिए, मैं अपनी भोजन लाती हूँ। Thank you.
मेरी आपसे विनती है, किसी भी परिस्थिति में राम भैया के आने तक आप अपने चरण रेखा से बाहर न रखें। मुनिराज, मैं आपके लिए भोजन लाई हूं, ये लीजिए। ले आओ देवी। कृपया आप ही को यहां आना होगा। अब तो हमने आसन जमा लिया है, यात्रा से थके हुए हैं, बार बार उठा नहीं जाता। जो कुछ देना है यही ले आओ। भगवान, मैं इस सीमा से बाहर नहीं आ सकती, आप ही को कष्ट करना होगा। ठीक है, हम तुम्हारे द्वार से भूखे ही चले जाएंगे, लेकिन इस अपमान के बदले हम तुम्हें श्राप देंगे। नहीं नहीं मुनिराज, हम श्राप देते हैं कि वही सुवर्ण मृग अपने तीखे सिंगों द्वारा तुम्हारे पति को। नहीं नहीं, अब उन्हें श्राप मत दीजिए, मैं वही आती हूँ। आप मेरे पति को श्राप मत दीजिए, मेरे श्राप मत दीजिए, मुझ पर दया कीजिए, मुझसे भूल हो गई है, मैंने आपकी शक्ति को नहीं पहचाना था, मुझे क्षमा कर दीजिए। जाओ कन्या, हमने तुम्हें क्षमा कर दिया, हम तुम जैसी सुंदर नारी के अश्रु नहीं देख सकते। अरे ऐसे नारी रत्न को तो किसी त्रिलोकी के राजा की पत्नी होना चाहिए था। सीते, कौन हो तुम? तुम्हारा दास, वही लंकेश्वर रावण। रावण, जिसे तुम्हारी कामना ने इतना आतुर कर दिया है कि स्वयं तुम्हारे द्वार पर भिक्षा मांगने आया। तुम्हारा अंत समय आ गया है, यदि प्राण प्यारे हो तो अभी समय है, चला जाए यहाँ से। स्त्री एक बार अपनी मर्यादा की रेखा से बाहर आ जाए फिर उसका वापस जाना असंभव हो जाता है। सीते, अब तुम्हें रावण के हाथों कोई नहीं बचा सकता, इसलिए चुपचाप अपनी सम्मति से मेरे साथ चलो। लक्ष्मण, चलो। लक्ष्मण, लक्ष्मण या आप? लक्ष्मण, तुम यहाँ क्यों चले आए सीता को अकेली छोड़कर? तुम्हें मेरी आज्ञा का ध्यान नहीं? मुझे क्षमा करें भैया, आपकी पुकार सुनकर भाभी ने मुझे जोर देकर यहाँ भेज दिया। जब मैंने इनकार किया तो उन्होंने ऐसे मर्म वचन कहे कि मुझे विवश होकर यहाँ आना पड़ा। ये अच्छा नहीं हुआ भाई, तुम्हारा कहना सत्य था, वो मृग के रूप में वही मारीच राक्षस था। मरते मरते जब उसने मेरी आवाज बनाकर तुम्हें सहायता के लिए पुकारा तो उसके उसी प्रपंच से मैं समझ गया कि हमारे साथ छल किया गया है। सीता अवश्य किसी विपत्ति में फंस गई होगी, लगता है वो आश्रम में हमें नहीं मिलेगी। नहीं भैया, ऐसा ना कहिए, भाभी वहीं पर होंगी। भगवान करे ऐसा ही हो। चलो लक्ष्मण। लक्ष्मण, सीते, मेरी बेटी सीते, मैं आ रहा हूँ। Thank you.
सीता अंदर नहीं है। हो सकता है मेरी किनार पर गई हो, परंतु वो अकेली तो कभी नहीं जाती। हो सकता है उद्यान में फूल चुनने गई हूँ। ठीक है, तुम नदी पर देखो, मैं उद्यान में देखता हूँ। सीते, 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 हबी, 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 क्या है लक्ष्मण? राम, 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 तात, तात, आपकी ये दशा कैसे हो गई? किस पापी ने आप पर आघात किया है? तुम आ गए राम, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा में प्राणों को रोके हुए था राम। मैं तुम्हें सीता का पता बताना चाहता था। सीता, सीता का पता कहाँ है? सीता उसे उसे पापी रावण अपने विमान में बिठाकर आकाश मार्ग से ले गया है राम। आकाश मार्ग से? हाँ, रावण? लंका में लंकापति की इच्छा यदि कोई स्वेच्छा से पूरी नहीं करता तो लंकापति स्वयं अपने बल से अपनी इच्छा पूरी करना जानता है। आज तुम्हें हम लंकापति की पत्नी बनने का सौभाग्य अवश्य प्रदान करेंगे। उठो, चलो हमारे साथ। सावधान पापी, इस प्राचीर को पार करने का साहस न करना। वाह, रावण के प्रचंड आवेग को एक तिनके की दीवार से रोका जा रहा है। घास के एक तिनके को शस्त्र बनाकर त्रिलोक विजयी रावण से युद्ध करोगी? ये तिनका नहीं, ये एक धर्म परायण स्त्री के शील और सत्य का अग्नि बाण है। ये सीता के सतीत्व की अभेद्य दीवार है। एक सती और पर पुरुष के बीच एक तिनके की ओट भी बहुत होती है। यदि मैंने मन वचन कर्म से अपने पति से अनन्य प्रेम किया है तो हे नारी धर्म की मूर्तिमान देवी माता अनसुया, उस तिनके को पार करते ही ये पापी भस्म हो जाए। कितना सुंदर नाटक है सीता। ये बच्चों वाला नाटक छोड़ो और स्वयं उठकर हमारे साथ चलो, अन्यथा तुम्हारे बाल पकड़कर हम तुम्हें घसीटते हुए ले जाएंगे। चलो। सावधान रावण, नल कुबेर के श्राप को याद करो। तूने मेरी धर्म पत्नी के साथ बलात्कार किया है। मैं श्राप देता हूं, यदि
तूने किसी पर स्त्री के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध उसका शील भंग किया तो तेरे सर के 60 टुकड़े हो जाएंगे। आज नहीं तो कल तुम्हें हमारी बात माननी ही पड़ेगी, इसलिए आज हम तुम्हें छोड़ देते हैं और 1 वर्ष की अवधि देते हैं स्वयं प्रसन्नता से हमारे अंतपुर में आ जाना, अन्यथा हमारे रसोइये सवेरे का कलेवा तैयार करने तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। आप फिर आ गए मेरे फूल रंग में। मैं राम और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण। लक्ष्मण खाओ। लक्ष्मण, ऐसे मीठे फल तो भगवान को वैकुंठ लोक में भी नहीं मिल सकते। ये सब मेरे परम गुरु महामुनि मतंग की शक्ति का प्रभाव है। उन्होंने कहा था कि श्री राम अपनी भार्या की खोज में यहाँ आएंगे, तुम उन्हें महाबली सुग्रीव तक पहुँचाने का मार्ग बताकर कहना कि वह सुग्रीव से मित्रता करके रावण पर अवश्य विजय पाएंगे। अब कृपा करके ये बताइए कि हम महाबली सुग्रीव तक कैसे पहुंचे। आप अनजान की भांति पूछते हैं प्रभु, तो बताती हूँ। यहाँ से आगे जाने पर आपको पंपासुर नाम का एक सुंदर सरोवर मिलेगा। उसके दक्षिण तट की ओर ऋषिमुख और मल्याद्री नाम के 2 पर्वत शिखर दिखाई देंगे। सुग्रीव अपने 4 मंत्रियों सहित वहीं रहते हैं, जिनमें हनुमान नाम का आपका एक चिर परिचित भक्त भी है प्रभु। लक्ष्मण, इस प्रदेश की सुंदरता देखकर बार बार जानकी की याद आती है। ऐसे दृश्य उसके मन को बहुत भाते थे, परंतु आज न जाने वो किस अवस्था में होगी, क्या सोचती होगी। मेरे राजा की बात सीधी तरह मान ले, क्या कमी है हमारे लंकेश्वर में। अरे सुनती है कि नहीं, बोल ना, अरे कुछ तो बोल। भाभी भी आपके बारे में सोचती होंगी, उन्हें अपने से ज्यादा आपकी चिंता होगी। हाँ लक्ष्मण, उसे पूर्ण विश्वास होगा कि हम उसे अवश्य खोज लेंगे, इसी भरोसे पर वो जीवित होगी, होगी ना लक्ष्मण। हाँ भैया, वह एक वीर आर्य कन्या है, कितना भी दुख आ जाए पर वो विचलित नहीं होंगी। भैया लगता है यही है वो दो पर्वत शिखर, परंतु पहले किस पर जाएं? आगे का मार्ग बहुत दुर्गम दिखता है। प्रणाम महाराज। सुखी रहो। आपने क्यों कष्ट किया? आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य निश्चित किया गया है, विलंब करना हानिकारक होगा। ऐसा कौन सा काम आन पड़ा है? हनुमंत, ऋषिमुख पर्वत के नीचे तराई के वन में 2 जन मनुष्य रूप में घूम रहे हैं, तपस्वी वेश और वीरों का बाना है। कुछ संदेह होता है कि बाली के भेजे हुए गुप्तचर हैं। हम 5 को अवसर पाकर समाप्त करने के लिए आए हैं। महाराज, आपके सेवक के होते हुए आपको भागना पड़े तो हनुमान के जीवन का क्या लाभ? आप निश्चिंत रहें, मुझे आज्ञा दीजिए महाराज।
वो देखो लक्ष्मण, सामने से कोई आ रहा है। देखने में कोई सज्जन विप्र जान पड़ते हैं, आओ इन्हीं से मार्ग पूछे। देखिए वो पंडित महाशय हमारी ओर ही चले आ रहे हैं। प्रणाम विप्र श्रेष्ठ। प्रणाम पंडित महाशय। कल्याणमस्तु कल्याणमस्तु। आप कुछ पथ भ्रांत पथिक जान पड़ रहे हैं। हे ब्राह्मण देवता, आपका अनुमान सत्य है, हम ऋषिमुख पर्वत पर जाने का मार्ग ढूंढ रहे हैं। किम प्रयोजनम किम प्रयोजनम। बात यह है ब्राह्मण देवता, हमें निर्देश प्राप्त हुआ है कि महाबली सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पर वास करते हैं, हमें उनसे मिलना चाहिए। महाराज सुग्रीव से? वो किसी से नहीं मिलते। यदि आपके कथनानुसार सुग्रीव जी नहीं मिल सकते तो हमें उनके मंत्री श्री हनुमान जी से ही मिलवा दीजिए, आपकी असीम अनुकंपा होगी। आप हनुमान से मिलेंगे? अवश्य, उनके दर्शन हो जाएंगे तो सुग्रीव जी से मिलने का साधन भी सुगम हो जाएगा। यदि आप अपना वास्तविक परिचय दे दें तो हनुमान को हम अभी बुला देंगे, इसी क्षण। अच्छी बात है, तो सुनो, हम अयोध्या के परम प्रतापी महाराजा दशरथ के पुत्र हैं। हम वानर राज सुग्रीव से मित्रता करना चाहते हैं। मेरा नाम लक्ष्मण है, ये मेरे ज्येष्ठ भ्राता श्री रामचंद्र जी हैं। राम, श्री रामचंद्र। आप स्वयं? हाँ भाई, स्वयं श्री राम यही हैं। अब बजाओ चुटकी, बुलाओ हनुमान को। आज से हम दोनों का दुख और सुख एक है। आज से जो कुछ हमारा है वो आपका होगा। सुख वैभव साम्राज्य जो आज है, जो आगे होगा, वह सब कुछ हमारी तरह हमारे मित्र का भी होगा। मित्र, हम आपकी भावना के मोल बिक गए। अब मित्र होने के नाते मेरा पहला कर्तव्य है कि मैं आपके सुख बाद में बांटूं, पहले आपके दुख बांटूं। मैं अग्निदेव के सामने आपको वचन देता हूं कि आपकी पत्नी का अपहरण करने वाले बाली का निश्चय ही वध करूंगा और आपको आपका खोया हुआ राज और आपकी पत्नी वापस दिलाऊंगा। एक दिन हम पांचों पर्वत शिखर पर बैठे हुए थे तो हमने क्रूर राक्षस को अपने विमान में एक स्त्री के साथ दक्षिण की ओर जाते हुए देखा। वह देवी जोर जोर से सहायता के लिए पुकार रही थी और हमें बैठे देखकर उसने कपड़े की एक पोटली में बांधकर कुछ फेंका। हमने उस पोटली को खोल कर देखा तो उसमें कुछ आभूषण थे। ये आभूषण सीता देवी के न हो? ये सीता के ही आभूषण है। उसने अपनी साड़ी से इतना पल्लू फाड़कर उसमें आभूषण बांधकर फेंके हैं जिससे मुझे उसके मार्ग का पता लगे। सीते सीते, मुझे तुम्हारा संदेश मिल गया है, मैं तुम्हें मुक्त करने अवश्य आऊंगा। सच सच आएंगे आप? क्या हुआ, किससे बातें कर रही थी? ऐसे लग रहा है जैसे मेरे स्वामी मुझे कह रहे हो मैं आऊंगा सीता, मैं अवश्य आऊंगा।
भावी स्वरूप नरोत्तम, दुष्टा, दंभ और अहंकार के पट मेरी आंखों के आगे से हट गए। मेरी आत्मा के अंतर चक्षु खुल रहे हैं, मानो आत्मा ने परमात्मा को पहचान लिया है। प्रभु, 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 स्वामी, नाथ, स्वामी, नाथ, हे राम, नाथ, भैया श्री राम प्रभु की साधर्मणि माता सीता की खोज करके अयोध्यानाथ की अधीश्वरी को अवधेश के हवाले करना है। करेंगे, अवश्य करेंगे। इस अनुसंधान में हम अपने प्राण भी अर्पण कर देंगे। जय श्री राम। सिया की खोज में निकल पड़े कब सारे, सिया की खोज में निकल पड़े कब सारे। सो ही आज जन्म फल पावे जो रघुराज के काज संवारे। सिया की खोज में निकल पड़े कब सारे। कूप से निकले आ पड़े खाई में, पहले दुर्गम वन में भटक रहे थे, अब अथाह सागर की लहरें गिन रहे हैं। लगता है सीता माता की सुध लेकर लौटने का यश विधाता ने हमारे भाग्य में नहीं लिखा है। आप पुण्य आत्मा जटायु के भाई हैं, गिद्धराज हम सबका प्रणाम स्वीकार करें। आप सबको भी संपाति का नमस्कार स्वीकार हो। 400 कोस के इस विशाल महासागर के पार त्रिकुट पर्वत पर सोने की भव्य नगरी लंका बसी हुई है। वही दंभी रावण का राज है, वही सीता को ले गया है वहां, जो अपनी बुद्धि और बल से इस 100 योजन के अपार अथाह महासागर को लांग सकेगा, वही इस कार्य को संपन्न कर सकेगा। जागो बजरंगबली, जागो हनुमान, जागो, जागो बजरंगबली, जागो, अपनी शक्ति को याद करो, जागो, जागो, हनुमान, जागो, बजरंगबली, जागो, जागो, बजरंगबली, जागो। एक पिराज नहीं अस काज, न आप से होए जो आप विचारो, न आप से होए जो आप विचारो। सात समंदर जान सरोवर लांघो, एक छलांग जो मारो, लांघो एक छलांग जो मारो। तीनों लोक में कोई नहीं, तीनों लोक में कोई नहीं, कभी आपको उसको रोक न पाया, उसको रोक न पाया। बाधा विघ्न कलांग समंदर, निर्भय पवन वेग से उड़कर, निर्भय पवन वेग से उड़कर, सांझ समय लंका नगरी में पहुंच गए हनुमान। हनुमान नगरी में पहुंच गए, हनुमान पहुंच
सूर्य छुपो चंदा उगो, मिल गए दोनों छोर, पहुँचे लक्ष्य सिद्धि की ओर। अब उसके सपने देखना छोड़ दे मूर्ख स्त्री, पहले तो उसे यह भी पता नहीं चलेगा कि तुम कहां हो, और यह पता लग भी गया तो लंका में कोई मानव प्रवेश नहीं कर सकता। तुम्हें श्री राम की शक्ति का आभास भी नहीं है, उनके धनुष की टंकार मात्र से लंका द्वीप समुद्र की गर्भ में डूब जाएगा। एक तुम्हारे पाप के कारण सारे संसार में राक्षस कुल का विनाश हो जाएगा। सीता, अपनी मृत्यु का आवाहन न कर। यदि मुझे मृत्यु आ जाए तो मेरे सारे दुख छूट जाए। हे चंद्रहास खड़क, यदि तुम भगवान शिव का वरदान हो तो तुम्हें उन्हीं भगवान की सौगंध है। किस पापी से मेरी रक्षा करो, मेरा शीश काट कर मेरा पतिव्रत धर्म बचाओ, जिससे भगवान शंकर को भी पता चले कि ऐसे किसी कुपात्र श्वान की भांति कामी और पापी पुरुष को शक्तियां देने का परिणाम क्या होता है। अच्छी बात है, तुम लो। नाथ, आप जैसे महान योद्धा, तीनों लोकों के स्वामी और ऐसे शक्तिमान राजा का एक निसहाय और अबला स्त्री पर अस्त्र उठाना शोभा नहीं देता। आप तो समस्त वेदों के ज्ञाता और परम ज्ञानी हैं। आप जानते हैं कि नीति भी स्त्री हत्या को अधर्म मानती है। अच्छी बात है, हम तुम्हें 2 मास की अवधि देते हैं। याद रखो, यह 2 मास के अंदर तुमने मुझे अपना पति स्वीकार नहीं किया तो हमारे राक्षस तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। सुनो रे राम कहानी, कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो श्री राम कहानी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। ये तो मेरे स्वामी की निशानी है, तो क्या सचमुच यहाँ कोई है? माता, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं पवन पुत्र हनुमान श्री राम प्रभु का एक सेवक हूँ। हे कपिल श्रेष्ठ, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या मेरे स्वामी भी मुझे उतना ही याद करते हैं जितना कि मैं उन्हें करती हूँ? मुझे क्षमा करना माता, प्रभु राम का प्रेम आपसे कहीं अधिक है, पर उसे कोई देख नहीं सकता। तुम केवल उनसे इतनी ही प्रार्थना करना कि आप आने में विलंब न करें। बस मेरी इतनी ही विनती है।
अब तुम जाओ, कोई पहरेदार आ जाएगा। तो आने दो, मैं उनसे नहीं डरता। नहीं माँ, मुझे भूख भी लगी है। उस वाटिका में सुंदर सुंदर फल हैं, यहीं से आरंभ करता हूं। पहले फल खाऊंगा, फिर वाटिका का विध्वंस करूंगा। कोलाहल सुनकर चिंता ना करना, जाने से पहले एक बार आपकी चरण रज लेने आऊंगा। अच्छा। को तूने उजाड़ा है, वही चील कौवे तेरा मांस नोच नोच कर खाएंगे। महाराज के दरबार में पहुंचा देना। पकड़ लो इसे। आपकी आज्ञा अनुसार आपके अपराधी को बांध कर ले आया हूं। आपकी वीरता के चर्चे तो तीनों लोकों में सुनाई दे रहे हैं। महाराज, जो छल से भिखारी का वेश बनाकर किसी अकेली अबला स्त्री को चोरों की भांति उठा लाए, ऐसा परम वीर आपके अतिरिक्त और कौन हो सकता है? वानर! दरबार में ऐसी दुष्टता से बात करने का साहस कोई नहीं कर सकता। मैं वायु देवता का औरस पुत्र हनुमान हूं। मैं तीनों लोगों के स्वामी अमित तेजस्वी, रघुकुल शिरोमणि, भगवान श्री राम का दूत हूं।
महाराज रावण, मैं आपको अंतिम चेतावनी देता हूँ कि जिन्हें आप सीता समझ रहे हैं वो विष मिले भोजन के समान आपकी मृत्यु का संदेश है। सीता का रूप धारण करके आपके पास काल की फांसी आ पहुंची है। महाराज रावण, यह अंतिम चेतावनी है, नहीं तो मरने के लिए तैयार रहो। मैं स्वयं भी तुम्हें मृत्यु दंड देने की शक्ति रखता हूं, परंतु मुझे श्री राम की आज्ञा नहीं। वैसे भी ये गौरव श्री राम को ही मिलना चाहिए। मृत्यु दंड देने की शक्ति किस में है इस खल को ये बता दो, इसी समय इसका सिर काट दो। ठहरो, राक्षस राज, क्षमा कीजिए। यदि आप क्रोधित न हो तो सेवक कुछ विनती करे। कहो। महाराज, ये वानर दूत बनकर आया है। इस वानर का वध करना धर्म के विरुद्ध है और लोकाचार की दृष्टि से भी निंदित है। महाराज, दूत सदा अपने स्वामी के अधीन होता है, इसलिए वो अपने स्वामी के हित की ही बात करता है। इसलिए वो शत्रु की भांति व्यवहार करे तो भी वध के योग्य नहीं होता। मेरे मत में इसे कोई और दंड दिया जाना चाहिए। हम आप सबके मत को स्वीकार करते हैं, परंतु इस दुष्ट वानर को कोई न कोई दंड देना आवश्यक है। वानरों को अपनी पूंछ से बड़ी ममता होती है, वही उनका आभूषण है, अतः इसकी पूंछ जला दी जाए। आग लगाओ। अरे कितने जा रही है, कपड़ा लपेटो। अरे कोई बड़ा मायावी वानर है, जैसे जैसे उसकी पूंछ पर तेल से भिगोए वस्त्र बांध रहे हैं, वैसे वैसे उसकी पूंछ लंबी से लंबी होती जा रही है। जय श्री राम। एक दूत अकेले ही आपकी सारी लंका नगरी को जलाकर राख कर सकता है, स्वयं उनकी शक्ति का विचार कीजिए। जय श्री राम। कुशल तो होना वत्स, जब से मैंने सुना कि रावण ने तुम्हारी पूंछ जलाने की आज्ञा दी है, मैं
बहुत चिंता में थी। माँ, मैंने रघुनाथ जी के प्रभाव और आपके आशीर्वाद से लंका के सैन्य बल को बहुत क्षति पहुंचाई है। माता, अब आप मुझे अपनी कोई ऐसी निशानी दीजिए जिससे प्रभु श्री राम को विश्वास हो जाए कि मैंने आपके दर्शन किए हैं। मेरे पास इस समय केवल चूड़ा मणि है, यही ले जाओ। इसे देखते ही उन्हें बहुत सारी यादें आएगी। ये लो। चले जाओगे तो वही निराशा का अथाह समुद्र रह जाएगा। नहीं माता, आप आशा का पल्लू न छोड़िए। मैं वचन देता हूँ, कुछ ही दिनों में आप सुनेंगी कि श्री राम की सेना ने लंका को घेर लिया है। देवी मैया तुम्हारा कथन सत्य करे। जाओ वत्स, मेरी ओर से अपने प्रभु के चरण छूना। जाओ। राम प्रभु की जय हो। युवराज अंगद, जामवंत, हनुमान और समस्त वानर वीर, हम आप सब लोगों के आने से बहुत प्रसन्न हुए। हे रघुकुल श्रोमणि, पवन पुत्र हनुमान ने अकेले ही जो साहस और पराक्रम दिखाया है उसकी गौरव गाथा का वर्णन हजार मुखों से भी नहीं किया जा सकता। वो सोयोजन का समुद्र लांग कर लंकापुरी तक हो आए हैं और माता सीता के दर्शन कर आए हैं। क्या तुम सीता के दर्शन कर आए? प्रभु, इसमें मेरा कोई गौरव नहीं, यह आपकी शक्ति का प्रताप है कि मैं भगवती सीता के श्री चरणों तक पहुंच पाया। हनुमत, उन्होंने हमारे लिए कोई संदेश दिया है? कुछ कहा है हमारे लिए? हाँ प्रभु, उन्होंने हाथ जोड़कर कहा था कि मैंने जो भैया लक्ष्मण को अपशब्द कहे थे उसके लिए मैं लक्ष्मण से क्षमा मांगती हूँ, और आपसे भी क्षमा मांगती हूँ। फिर उन्होंने ये चूड़ा मणि निशानी के तौर पर दी और बताया कि ये उन्हें विवाह के समय मिली थी। सैनिक का युद्ध में एक ही लक्ष्य होता है, विजय। हमारा लक्ष्य भी विजय, परंतु किसी एक प्राणी या रावण नाम के केवल एक शत्रु पर नहीं, बल्कि अधर्म पर धर्म की विजय, अनीति पर नीति की विजय, अन्याय पर न्याय की विजय और झूठ पर सत्य की विजय। पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। हर हर महा Yeah.
सब सुन ही चुके होंगे, दोनों वनवासी भाई राम और लक्ष्मण किष्किंधा की वानर सेना के साथ सिंधु के उस पार पहुंच गए हैं। समुद्र के उस पार आ जाने का अर्थ ये नहीं कि वो 100 योजन अर्थात 400 कोस का विशाल दुर्गम समुद्र लांघकर सेना के साथ लंका आ जाएंगे। महाराज, मेरा मत यह है कि राम के साथ शत्रुता हमने स्वयं मोल ली थी, किसी भी समय पर उन्होंने प्रथम प्रहार नहीं किया। सबसे पहले बहन सुरूपनखा ने ही वहां जाकर छेड़छाड़ की, उस पर सबसे बढ़कर अनीतिपूर्ण कार्य किया आपने, उनकी पत्नी का हरण करके, उनकी मान मर्यादा पर प्रहार करके। विभीषण, जी हाँ महाराज, हमने ही भूल की है और हमें ही अपनी भूल का सुधार करके देवी सीता को आदर सहित उनके पति के पास पहुंचा देना चाहिए। वीर पुरुष एक बार जो कदम उठा लेता है उसे पीछे हटाने में वीरता को दाग लगता है। परंतु नीति 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 शक्तिहीन पुरुषों का बुना हुआ एक ऐसा जाल है जिसमें वीर पुरुष कभी नहीं फंसता। नहीं भ्राता, नहीं, ये अधर्म है और अधर्म कभी धर्म का स्थान नहीं ले सकता। ये क्रूर शारीरिक बाहुबल धर्म को नहीं मिटा सकता। धर्म के पास आध्यात्मिक बल है, उसके साथ दैवी विधान की शक्ति है। केवल आपके सधर्म कार्य से सारे कुल का विनाश हो जाएगा। मैं अपने कुल के कल्याण के लिए आपके चरणों में गिरकर प्रार्थना करता हूँ। जा, मेरी नजरों से दूर हो जा, जा, लंका में तेरा कोई स्थान नहीं है, जा। हे नाथ, मैं महाराज रावण का छोटा भाई विभीषण हूं। हे देवताओं के रक्षक, मुझ में सारे अवगुण हैं। प्रभु, आप शरणागत भयहारी हैं, जिसे आपकी शरण मिल जाए उसे जन्म और मृत्यु के भय से मुक्ति मिल जाती है। मेरी रक्षा करो प्रभु, मेरी रक्षा करो। आप हमारे शत्रु को त्याग कर हमारे पास आए हैं, अतः आप हमारे मित्र हैं। विभीषण का राज्याभिषेक कर दिया? शार्दुल, तुमने अपनी आंखों से देखा? जी हाँ महाराज। एक भिखारी ने दूसरे भिखारी से कहा, मैं तुम्हें संसार का सबसे बड़ा राज्य प्रदान करता हूं
और दूसरे भिखारी ने पहले से कहा, मैं तुम्हें तीनों लोगों का भगवान बना देता हूं। वाह राम वाह, एक मायावी को भी अपनी माया के चक्कर में डाल दिया। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। राम नाम आधार जिन्हें, राम नाम आधार जिन्हें, वो जल में राह बनाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। राम जी से आस है, राम पे विश्वास है। राम जी से आस है, राम पे विश्वास है। राम जी करेंगे भली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। विश्वास नहीं, यह संभव नहीं। जब से सृष्टि की रचना हुई, सागर को कोई बांध नहीं सका। यह संभव है? असंभव संभव हो गया महाराज, और वो भी केवल 5 दिन में। उन्होंने सागर पर सेतु बांध दिया है। क्या, सागर पर सेतु बांध दिया? सागर पर सेतु बांध दिया, सागर पर सेतु बांध दिया। सुंदर, बड़ी सूझबूझ के साथ सैन्य छावनी की संरचना की है महाराज सुग्रीव। छावनी के गठन में महाराज विभीषण ने बड़े दूरदर्शितापूर्ण उपयोगी निर्देश दिए हैं। अब युद्ध अनिवार्य हो गया है। सर्वोच्च सेनाध्यक्ष का पद युवराज इंद्रजीत ही संभाले रहेंगे। समस्त युद्धों का कीर्तिमान है कि इंद्रजीत ने जिन युद्धों का संचालन किया है, हमारी सदा जय ही हुई। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपने पितृदेव की निष्ठा पर और लंका की आन पर अपने प्राण भी दांव पर लगा दूंगा। इस सर्वोच्च पद की प्रतिष्ठा पर अपने जीते जी आज नहीं आने दूंगा। वीर इंद्रजीत, तीनों लोकों में लंका का बोलबाला और असुरों का दबदबा तुम्हारे ही बल से है। सर्वोच्च सेनाध्यक्ष के पद पर रहते हुए भी पश्चिम द्वार पर अपने सेनाध्यक्षों और सैन्य बल के साथ तुम स्वयं रहो। पश्चिम द्वार अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसा ही होगा महाराज। हमारा पूर्व प्रकोट, जो लंका का प्रमुख प्रवेश द्वार भी है, वहां पर राजकुमार प्रहस्त अपने अधीन सेना को लेकर डट जाए। मैं शपथ लेता हूं, मेरे प्राण रहते कोई पक्षी भी पूर्व द्वार से लंका में प्रवेश नहीं कर सकेगा। हमारी आज्ञा है कि सूर्योदय होते ही पालीपुत्र अंगद बहुत सी सेना सहित दक्षिण द्वार पर महापार्श्व और महोदर का दमन करें। वायुपुत्र हनुमान पश्चिमी द्वार तोड़कर सेना सहित प्रवेश करें और इंद्रजीत का सामना करें। लंका के पूर्वी द्वार पर वानर श्रेष्ठ नील रावण पुत्र प्रहस्त्र से टक्कर लें तथा उत्तरी द्वार पर जहां ब्रह्मा के वरदान की शक्ति से मतवाला होकर ऋषियों और महात्माओं का अपकार करने वाला रावण चक्कर लगा रहा है, वहां लक्ष्मण के सहित मैं जाऊंगा, क्योंकि उस राक्षस राज का वध मैंने स्वयं करने का निश्चय किया है।
संग्राम की तैयारियां, संग्राम की उस ओर रावण जैसा बल, इत सुदृढ़ सेना राम की, इत सुदृढ़ सेना राम की। जयकार सैनिक कर उठे निज स्वामियों के नाम की, निज स्वामियों के नाम की। वह पूर्ण होगा राम से अभिलाष है जिस काम की, अभिलाष है जिस काम की। वह पूर्ण होगा राम से अभिलाष है जिस काम की, अभिलाष है जिस काम की। आक्रमण करने से पहले रावण को एक अंतिम अवसर दिया जाए, इसके पहले कि हमारे वीर योद्धा इस सुंदर नगरी का विध्वंस कर डालें। यदि रावण सीता को सम्मान सहित लौटाकर हमारी शरण में आ जाए तो हम उसे क्षमा कर देंगे। वानर, कौन हो तुम और क्या संदेश लेकर आए हो? महाराज, सभ्य देशों के राज दरबारों का विधान है कि दूसरे राज्य से आए हुए राजदूत का आदर करके पहले उसे आसन दिया जाए, फिर सम्मान सहित उसका आतिथ्य करके उससे उसके आने का कारण पूछा जाए। इसलिए मेरे लिए दूसरा रास्ता यही है कि मैं इस सभा में अपने लिए एक राज्योचित आसन स्वयं ही निर्माण कर लूं, जिस पर सम्मान पूर्वक बैठकर मैं अपने राजा का संदेश आप तक पहुंचा सकूं। जय श्री राम। अब श्री राम की अंतिम चेतावनी तुम्हें सुनाता हूँ। उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हारे अपराधों का दंड देने लंका के द्वार पर आ गया हूँ। ब्रह्मा के वर के कारण तुम्हें जो अभिमान है उसके नष्ट होने का अब समय आ गया है। राक्षस अधम, यदि तुम सीता को लेकर शरण में नहीं आए तो मैं इस पृथ्वी को राक्षसहीन कर दूंगा, क्योंकि तुम्हारे मारे जाने से तीनों लोक निश्चिंत हो जाएंगे। वानर, अब इसने अपने जीने का अधिकार खो दिया। इसी सभा में इसका सिर काटकर इसे रावण की शक्ति का आभास करा दो। महाराज, ये बेचारे आपकी शक्ति मुझे क्या दिखाएंगे? मैं आपको अपनी शक्ति दिखाता हूं। जय श्री राम, जय श्री राम। लंकेश, यदि आपको अपने योद्धाओं की शक्ति पर बड़ा मान है तो मैं श्री राम की ओर से आपके समस्त योद्धाओं को चुनौती देता हूँ। मैं अपना पैर आपके इस दरबार में जमा देता हूँ। यदि आपका कोई योद्धा इस पैर को धरती से उठा सके तो मैं अपने स्वामी की ओर से यह वचन देता हूँ कि वो अपनी हार मानकर इस लंका से वापिस चले जाएंगे। जय श्री राम। पैर पकड़कर इस बंदर को धरती पर पछाड़ दो।
एक जोधा आवे अपनी सारी शक्ति लगावे पग नहीं दिगे वीर मुस्कावे रे बोले राम जी की जय पग नहीं दिगे वीर मुस्कावे बोले राम जी की जय मूर्ख चरण पकड़ने हैं तो जाकर श्री राम के चरण पकड़ जिनके चरणों में मुक्ति का द्वार है मेरा पैर क्यों पकड़ता है मेरी चुनौती आपके योद्धाओं को थी आपको नहीं आपको तो मैं फिर यही कहूंगा श्री राम के चरण पकड़ लीजिए तो आपका कल्याण हो जाएगा मैं कल सूर्योदय तक का समय देता हूं उसके पश्चात लंका पर चढ़ाई कर दी जाएगी किसका मुकुट है ये तो महाराज रावण का मुकुट है रावण का इंद्रजीत पकड़ लो इसे जाने ना भाई जय श्री राम मुझे विश्वास है कि आज रात रावण के हितैषी उसे समझाने की अवश्य चेष्टा करेंगे राजकुमार अंगद रात भर का जो समय उसे दे आए हैं उसे एक रात में इतिहास बदल भी सकता है ये न भूलिएगा दानवराज कि लंकेश दशानन का शीश कट सकता है झुक नहीं सकता और दशानन का शीश झुकाने वाला पृथ्वी पर भी पैदा नहीं हुआ रघुकुल शिरोमणि प्रभु राम की जय हो क्या संदेश लाए हो प्रभु महाराज रावण ने सब परामर्श ठुकरा दिए हैं और अब वो सोने के लिए अपने शयन कक्ष में चले गए इसका अर्थ युद्ध युद्ध अंततः युद्ध का समय आ ही गया प्रभु आपकी जय हो प्रभु अब वो शुभ घड़ी आ गई है जिसके लिए भगवान ने धरती पर अवतार धारण किया है आप सबों का दुख मिटाने के लिए भगवान युद्ध करने जा रहे हैं पति महाराज रावण की जय हो लंकेश्वर की जय हो महाराज राम की सेना ने चारों द्वारों को घेर लिया है और बाहर से ही मुख्य द्वारों और प्राचीरों को बहुत भारी क्षति पहुंचाई है महाराज उन्होंने कई सुरक्षा चौकियों को विध्वंस कर दिया है उनके द्वारा आकाश मार्ग से फेंकी हुई शिलाओं से नगर के भीतर भी बहुत हानि हुई है महाराज नगर के अंदर तो भगदड़ मची हुई है जाओ अचानक धा बोल दो
मुष्टि के मुष्टि प्रहार को इंद्र का वज्र भी सहन नहीं कर सका। संभाल सुग्रीव की गदा का प्रहार। सेना नायक क्या समाचार लाए हो? सेना नायक वज्र मुष्टि बड़ी वीरता के साथ शत्रु सेना का सहार करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए महाराज। क्या वज्र मुष्टि? हर हर महादेव। ओ पवन देवता के औरस पुत्र हनुमान, हनुमान आखिर तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों लिखी थी। नहीं, भूल हुई है तुमसे सेना नायक दुर्मुख। मेरी मृत्यु तुम्हारे हाथ से नहीं बल्कि तुम्हारे हाथ में आज मृत्यु लिखी है। आज लंका दहन का मूल्य मैं तेरे रक्त से चुकाऊंगा। हर हर महादेव। नहीं 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 नहीं, दुर्मुख अर्थात यम का मुख, बड़े बड़े सूरमा उसके हाथों काल के गाल में समा गए। उसे कौन मार सकता है? वही लंका में पहली बार आकर हाहाकार मचाने वाला मरकट अक्षय कुमार का हंता महाराज, उसी हनुमान ने महाबली दुर्मुख का अंत किया है। हनुमान! विरूपाक्ष, समय से पहले हमें जगाने का साहस तुमने कैसे किया?
लंकाधिपति रावण कुशल से तो हैं। जी छोटे राजा, महाराज रावण सकुशल अपने महल में विराजमान है। तो फिर क्या है, लंका पर तो कोई विपत्ति नहीं आई? जी, अभी तक तो लंका पूरी तरह सुरक्षित है, परंतु अब उसकी सुरक्षा संकट में है। चारों ओर से सुग्रीव की वानर सेना ने घेर लिया है। दीर्घायु भव। महाराज, मुझे जो विरूपाक्ष ने सुनाया है, क्या वह सत्य है कि इस समय वानर सेना ने लंका के गिर्द घेरा डाल दिया है और लंका पर संकट के बादल छाए हुए हैं? हाँ तात, इस समय लंका संकट में आ गई है, इसीलिए तुम्हें असमय में ही जगाया गया है, क्योंकि हम सब की आशा अब केवल तुम पर ही केंद्रित है। तीनों लोकों का विजेता रावण, जिसके आगे शस्त्रहीन, श्रीहीन और मानहीन होकर रह गया, उस पर भी आपने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वास्तव में श्री राम कौन है। कुंभकर्ण! शत्रु को श्री लगाकर संबोधित मत करो। महाराज, आंखें बंद कर लेने से सूर्य का प्रकाश लोप नहीं हो जाता। जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, स्वयं श्रीमान नारायण हैं, उन्हें श्री राम ही कहना पड़ेगा। भैया, शायद आप ये भूल गए हैं कि श्री राम से कई पीढ़ियां पहले इक्ष्वाकु वंश के एक राजा ने आपको श्राप दिया था कि जब स्वयं श्रीमान नारायण हमारे कुल में अवतार लेंगे, तब वह उसी न रूप में आपका विनाश करेंगे। भैया, ब्रह्मा की बात भी भूल गए, फिर भी आप महारानी सीता का हरण कर लाए, जो स्वयं लक्ष्मी का अवतार है। हमें अपनी बहन के अपमान का बदला लेना था, हमारे भाई के वध का प्रतिशोध क्या हमारा कर्तव्य नहीं था? था तो उस कार्य को वीरों की भांति करते, चोरों की भांति एक स्त्री का हरण करके क्या आपका मस्तक गौरव से ऊंचा हो गया है? मैं तो छोटा भाई हूँ, और छोटे भाई का एक ही धर्म है, जब तक वो जीवित है और स्वस्थ है, तब तक बड़े भाई को कोई भी कष्ट नहीं होना चाहिए। उसके जीते जी यदि बड़े भाई को चिंता रहे या वो संकट में आ जाए, तो छोटे भाई पर धिक्कार है। छोटा भाई मित्र भी है और सेवक भी है। कुंभकर्ण, हमें तुम पर गर्व है, तुम राक्षस जाति की नाक हो। भैया, अब आप युद्ध की चिंता भूल जाइए। परंतु क्या? परंतु भैया, सबकी बात सच निकली और वो सचमुच भगवान है, तो भी मैं पीठ नहीं दिखाऊंगा। अपने भाई की आन के लिए रणभूमि में लड़ता हुआ मर जाऊंगा, यह मेरा वचन है। महाराज कुंभकर्ण की जय! महाराज कुंभकर्ण की जय! महाराज कुंभकर्ण की जय! महाराज कुंभकर्ण की जय! महाराज कर्तव्य यही समयोचित ज्ञान, भाई पर भाई चला होने को बलिदान। ये क्या, रावण ने कोई मायावी रूप धारण किया है? नहीं, ये रावण नहीं। तो कौन है? कुंभकर्ण, रावण का छोटा भाई, मेरा अग्रज। हाहाहाहा
जाओ जाकर अपने स्वामी राम लक्ष्मण से कहो कि अभी तक मुंह छुपाए क्यों बैठे हैं। कुंभकर्ण उन्हें युद्ध के लिए ललकार रहा है, मैदान में आए। इन बेचारों पर क्यों शक्ति दिखा रहे हो? इधर लक्ष्मण के सामने आओ। लक्ष्मण, हमारी बहन सुरपनखा निरपराध थी। तूने जिन हाथों से उसकी नाक काटी है, आज मैं उन हाथों को काट कर धरती पर फेंक दूंगा, तब मेरे मन को शांति होगी। इस अस्त्र को केवल शिव ही काट सकते थे, आज तुमने काटा है, हम तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, परंतु अब इस अस्त्र को नहीं तोड़ पाओगे। तो लो अब स्वयं शिव का अमोघ त्रिशूल। सुग्रीव, तेरा काल। अच्छा हुआ तुम मेरे हाथ लग गए। अच्छा हुआ तुम मेरे हाथ लग गए। चलो वानरराज, तुम्हें ले जाकर महाराज रावण के चरणों में डाल दूंगा। तुम्हें छुड़ाने के लिए तुम्हारी सेना को हथियार डाल देने पड़ेंगे। चलो। बहुत अच्छा किया, मैं केवल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। मैंने तुम्हारे अनुज को बालक समझकर छोड़ दिया। हनुमान और सुग्रीव के प्राण भी नहीं लिए, क्योंकि इन छोटे मोटे वानरों को मारने से मुझे क्या यश मिलता। मैं केवल तुम्हारी प्रतीक्षा में अब तक घूम रहा था। तुमने विभीषण के परामर्श को ठुकरा कर हमारी शरण में आना स्वीकार नहीं किया। हमने तभी समझ लिया था कि तुम्हारे पापों का फल अभी बाकी है, जिसके कारण तुम मुक्ति के द्वार तक आकर भी मृत्यु के द्वार की ओर मुड़ गए। मृत्यु का द्वार देखना चाहते हो तो ये लो।
शस्त्र चलावनहारो। तुनीर में वह बाण नहीं जो कुंभकर्ण के प्राण ले सके। यह असंभव है, असत्य है। सत्य तो यह है कि मानव का सबसे बड़ा शत्रु स्वयं युद्ध है। मानव संस्कृति की पूर्ण विजय तब होगी जब संसार में सत्य और न्याय की विजय के लिए मानव को युद्ध की आवश्यकता ही नहीं होगी। ताश्री, आपके मन में दुर्बलता एक छोटा सा छिद्र कर रही है, उससे सावधान रहे। जीत के लिए पूर्ण मनोबल आवश्यक है। इंद्रजीत पे विश्वास करे, मैं युद्ध का चित्र ही बदल दूंगा। जाओ ताज, युद्ध पताका फहराते हुए लौट कर आओ। यही होगा, यही होना निश्चित है महाराज। आज सूरज से पहले उन सूर वंशियों का सूर्यस्त करके मेघनाथ गगन में गरजते मेघों के समान अखिल ब्रह्मांड में अपना जयनाथ गुंजाता हुआ लौटेगा। भेजे बिना हम अयोध्या कैसे लौट जाएं मेघनाथ? हे की बरछी और काल की भांति चली बरछी। रणवीरन के उर्चीरन को परगट रण माही भई बरछी। सब रोकन हारे हार गए, सब रोकन हारे हार गए। नहीं काहू के रोक
के रुकी बरछी लक्ष्मण को लक्ष्य बनाए लियो सीधी माही हसी बरछी। योद्धाओं उठा लो इसे, डाल दो रथ पर, ले चलो पिताश्री के सम्मुख। ये तो धरती में गड़ गया है युवराज। हट जाओ। इंद्रजीत की विजय का भार लंकेश को मैं भेंट करूंगा। धर को हाथ लगाया तो धरती में समा जाओगे मेघनाद। ये स्वयं धरती को अपने फन पे धारण करने वाले हैं। तुम जैसे पापी के हाथों नहीं उठ सकते। मेघनाद सो नहीं उठे। क्या हो गया है हनुमान जी? वीरवर लक्ष्मण को यह क्या हो गया है? अनर्थ हो गया सुग्रीव महाराज, अनर्थ हो गया। लक्ष्मण, लक्ष्मण, क्या हुआ लक्ष्मण को? लक्ष्मण, लक्ष्मण, वीरवर, हनुमान, मेरा लक्ष्मण जो सदा मेरे सन्मुख आने पर खड़ा हो जाता है, वही आज मेरे सामने नयन मूंदे पड़ा है। ये कैसे हुआ? प्रभु, धरणीधर जब धरती पर गिरे, सूर्य चंद्र की गति थम गई। परंतु क्यों, किस कारण? ब्रह्मांड में ऐसी कौन सी शक्ति है जिसने लक्ष्मण को शक्तिहीन कर दिया? क्या क्या यह भी कोई निशाचरी माया है? अयोध्यानाथ, ये निशाचरी माया नहीं। मेघनाद ने घात लगाकर वीरघातनी शक्ति का प्रहार किया है, परंतु इस वीरघातनी शक्ति से बचना असंभव है। नहीं, पिताश्री, लक्ष्मण को मृत्यु की गोद में सुलाया हूं। अब राम का भी मस्तक काट कर आपके चरणों में ला दूं तो प्रतिशोध की ज्वाला बुझे। इंद्रजीत, तुम्हारी जय हो। लक्ष्मण मर्दन करने वाले, तुम्हारी जय हो। अयोध्या के होने वाले अधीश्वर, तुम्हारी जय हो। लंका में हर रोग के निष्णांत
राजवैद्य सुषेण जी से यदि नाड़ी परीक्षा कराई जा सके तो संभव है वो कुछ उपचार बता सके, परंतु लंका से उन्हें लाना ही असंभव है। असंभव को संभव बनाना हनुमान का काम है। मैं लेकर आऊंगा वैद्यराज को। लंका में कहां निवास है उनका? लंका के उत्तर पश्चिम द्वार के मध्य कोण में वनस्पति उपवन में प्रयोगशाला है, उनका वास सदा वही होता है। प्रभु मुझे आज्ञा दे, मैं लेकर आऊंगा वैद्यराज को। जय श्री राम। जय श्री राम। श्री हनुमान महाबली दुख मेटन सुख देन, सूक्ष्म रूप धरि लंक में ढूंढे वेद सुषेण, ढूंढे वेद सुषेण। श्रीमान जी, वैद्यराज सुषेण आप ही हैं ना? हाँ मैं ही हूँ, कहिए। कहिए क्या, चलिए। कहाँ? जय श्री राम। अरे ये क्या कर रहे हो? बचाओ बचाओ, अरे कोई है, बचाओ 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 बचाओ। अरे अरे ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम? अरे अरे भाई तुम मुझे कहाँ लिए जा रहे हो? आपका कल्याण करने। सुषेण वैद को पूरे भवन समेत उठाकर ले गया तो अवश्य विराट वानर हनुमान होगा। तुम सब क्या सो रहे थे? नहीं महाराज, हम सब पूरी तरह से चेत थे। वो जय श्री राम का नाद करता हुआ हवा हो गया। प्रलाप बंद करो। मुख्य गुप्तचर शुक को तुरंत हमारी सेवा में उपस्थित होने का आदेश दो। जाओ। ओह वैद्यराज, वैद्यराज क्या कुछ आशा है ना? आयुर्वेद अंतिम सांस तक आस नहीं छोड़ता श्रीराम। वैद्यराज। रघुवीर, अधीर होने से रोगी की पीड़ा दूर नहीं होती। उपाय है लेकिन अत्यंत दुष्कर, अत्यंत दुर्लभ। आप बताइए तो सही श्रीमान जी। क्या बताऊं हनुमान, यहां से हिमालय पर्वत तक जाकर सूर्य उदय से पहले लौटकर आना असंभव है, इसलिए बताने से क्या लाभ? आप वो दुष्कार्य बताइए तो सही। यदि इतना साहस है तो सुनो, कैलाश और ऋषभ पर्वत के बीच दैवी औषधियों का एक महापर्वत है। वहां चार महा औषधियां ऐसी मिलेंगी जिनमें एक दिव्य प्रकाश की आभा चारों दिशाओं को प्रकाशमान करती रहती है। उनके नाम है विशल्यकारिणी, स्वर्णकारिणी, संधानी और मृत संजीवनी, जो यदि समय पर मिल जाए तो मृतिक को जिला सकती है। इसी दिव्य औषधि की इस समय आवश्यकता है, परंतु लक्ष्मण के पास केवल एक रात का समय है, इसलिए यह कार्य सूर्य उदय से पहले हो जाना चाहिए। संजीवनी जय श्री रावण चले, कपि कहे जय। Thank you.
इनमें कौन सी है मित्र संजीवनी? क्या पहचान है इस संजीवनी की? हनुमान, एक एक पल मूल्यवान है, व्यर्थ में समय नष्ट ना कर, उठाकर ले चल पूरा पर्वत ही, वैद्यराज स्वयं पहचान लेंगे संजीवनी। जय श्री राम। संजीवनी है कौन सी, कैसे हो पहचान, पर्वत ही तब हाथ में उठा लियो हनुमान। जय 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 हनुमान। माता, एक धर्मरत मानव के कल्याण के लिए आपकी पत्तियों की आवश्यकता है। अपनी पत्तियों से मेरे रोगी को आशीर्वाद प्रदान करें। कहां गए मेरे धनुष का बाण? भैया, ये है तेरा धनुष, और तू तो युद्ध भूमि में नहीं है। भैया, आप यहां? मैं यहां कैसे पहुंचा? धीरज रखो सौमित्र, बहुत बड़ा संकट आया था। संकट? हाँ मेरे भैया, और रघुकुल पर आए संकट का निवारण किया संकट मोचन हनुमान ने। दोनों योद्धा पुनः युद्ध को आ गए,
शक्ति पराक्रम बल कौशल टकरा गए। वीरों के तीरों से बादल छा गए, दिग दिगंत फिर एक बार थर्रा गए। दोनों अपने प्रण के कारण जूझ रहे अवीरा। महासंग्राम 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 महासंग्राम। प्रहार जो अपने तन पे सह गया, मृत्यु निकट जाकर भी जीवित रह गया। सहज नहीं है उस योद्धा को मारना, किंतु नहीं वीरोचित हिम्मत हारना। यदि मैं श्री राम का अनन्य सेवक हूं तो तुम्हें श्री राम की ही आन है कि अब मेघनाथ का मस्तक काटकर ही वापस आना। लक्ष्मण, यदि तुझे श्री राम की आन है तो इंद्रजीत को अपने देश की आन है। इंद्रजीत के जीते जी इस देश पर शत्रु की विजय पताका कभी नहीं फहरा सकती। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। संभव है चुक, इस झूठी सूचना के लिए तुम्हारा मस्तक काट देना चाहिए, मस्तक। लंकेश, ये क्या कर रहे हो लंकेश? मैं तुम सब लोगों की गर्दनें उड़ा दूंगा। द्रोहियों, मैं तुम सबको मृत्युदंड दूंगा, मृत्युदंड, तुम सबको मृत्युदंड दूंगा। मृत्युदंड मुझे भी दो महाराज, दो मुझे भी मृत्युदंड दो। आज मैं भी मृत्यु मांगने आई हूँ आपसे महाराज। अब जब लंका में घर घर में कोने कोने में मृत्यु का तांडव हो रहा है तो मैं ही मृत्यु से वंचित क्यों क्यों हूँ अभी तक? महारानी मंदोदरी, मेरा इंद्रजीत माता माता पुकारता, मेरे ममता के आंचल की छाया में अब फिर कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। मंदोदरी, मंदोदरी, महारानी, मंदोदरी, मंदोदरी, चलो। हनुमंत, प्रभु, इन्हें आदर के साथ लंका के मुख्य द्वार पर रख दो, जिससे द्वार खोलकर राक्षस सैनिक इन्हें अंदर ले जा सके। जो आज्ञा प्रभु।
लंकापुरी के दुर्ग का यह स्तंभ गढ़तम ढह गया, लंकेश के इस लाडले का रक्त अस्मय बह गया। आघात पर आघात कितने ही दशानन सह गया, पर इस कुठार घात से ज्वालामुखी बन रह गया, पर इस कुठारा घात से ज्वालामुखी बन रह गया। इंद्रजीत, तुम्हारे वध का प्रतिशोध तुम्हारा पिता लेगा। अब तक किसी पुत्र से हमने इतना प्यार नहीं किया जितना तुमसे किया। तुम्हारा वध करने वालों को मैं कभी क्षमा नहीं करूंगा, उनके सारे कुल का विनाश कर दूंगा, तीनों लोकों का विध्वंस कर दूंगा, ऐसी त्राही त्राही मचा दूंगा कि एक दूसरे को शरण देने वाला कोई नहीं रहेगा। टूट पड़ो जैसे हिरणों के झुंड पर सिंह आक्रमण करता है। आज अपने सूर्य के समान तेजस्वी बाणों द्वारा वनवासी राम और लक्ष्मण को यमलोक पहुंचाकर मेघनाद, कुंभकर्ण, प्रहस्त आदि की मृत्यु का बदला लूंगा। रावण नाम है मेरा। बड़े बड़े दिक्पाल, देवी देवता, नाग गंधर्व तक को रुलाने वाला रावण। अवश्य रावण का अर्थ तो रुदन ही है लंकेश। तुम्हारी सार्वभौम सत्ता, अपार प्रभुता और प्रचंड पराक्रम त्रिलोक में विख्यात है। तुमने अनीति, अनाचार और अत्याचार से पूरे संसार को आंसुओं में डुबोया है। अब यदि वही आंसुओं का सागर तुम्हें डुबो दे तो दोष तुम्हारा ही होगा। तपस्वी, यह तपोभूमि नहीं रणभूमि है। रणभूमि ज्ञान का बखान मत करो, धनुष बाण से बात करो, धनुष बाण से। अवश्य तुम्हारी कोई आकांक्षा अधूरी न रह जाए। टंका किसका बजेगा, झंडा किसका झुकेगा, आज धर्म और पाप की लड़ाई है। निर्णय की घड़ी अब आई है।
विभीषण, कुलनाशी, देशद्रोही। अच्छा हुआ तो सामने आ गया, यह प्रचंड शक्ति हमने तेरे लिए ही संभाल कर रखी थी। इससे तुझे स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं बचा सकेंगे, ब्रह्मा जी भी। शक्ति आघात किया, शक्ति के साथ बड़ी मित्रता निभा रहे हो राम, परंतु तुम दोनों का अंत मेरे हाथों होगा। अरे दुर्बुद्धि, दुराचारी, तू नर, मुनि, नाग आदि पर विजय पाकर मदहंत हो गया है, जो तीनों लोगों के स्वामी को नहीं पहचानता। आज तेरा काल तेरे सर पर नाच रहा है, तेरे अंत का समय आ गया है मूर्ख। आप अचेत हो गए थे। अचेत मैं नहीं, तू हो गया था मूड, मतिमंद। तूने रण में पीठ दिखाने वालों में नाम लिखा दिया है मेरा। क्षमा महाबली, श्री राम का दूसरा जीव खींच देंगे हम तेरी, शत्रु को यदि श्री कहा तो। तुझे भय था कि मेरे प्राण संकट में हैं? अरे मूर्ख, यदि लाना ही था तो मेरे मृतक शरीर को रथ में ले आता। तूने शत्रु के सामने हमें कायर सिद्ध कर दिया है। तू अपराधी है, तू दंड देने योग्य है, तूने शत्रुता की है हम। हाँ बलि महाराज, मैं कायर नहीं हूँ, आपके बल पराक्रम से भी भली भांति परिचित हूँ। मैं आपका स्वामी भक्त सेवक, सदा आपके कल्याण की ही कामना करता हूँ। आपकी विजय समस्त असुर जाति की विजय है, मैं ये भूला नहीं हूँ। महाराज, भीषण संग्राम में शत्रु की अपेक्षा आपकी प्रबलता कम होती दिखाई दी। मेरे अश्व भी उस मारकाट में शिथिल होने लगे थे। उस समय जो लक्षण प्रकट होने लगे थे, उससे मुझे अमंगल की आशंका होने लगी थी। स्वामी, सारथी का कर्तव्य है देश, काल, उत्साह, अनुत्साह, अपने स्वामी के हित अनहित के प्रति सतर्क रहें। यदि आप मेरी ये भूल दंड देने योग्य मानते हैं, तो जो चाहे दंड दे सकते हैं। इस पर हम बाद में विचार करेंगे। इस समय तू हमें तत्काल रणभूमि में शत्रु के सामने तीव्र गति से ले चल। चल, चलिए शिविर में चलिए, आपके घाव का उपचार कर दिया जाए। छोटे मोटे घावों से घबराकर भागने वालों को युद्ध भूमि में नहीं आना चाहिए।
वानर सैनिक जीवित नहीं बचेगा। राम और लक्ष्मण दोनों को मृत्यु के घाट उतारकर अपने हृदय की ज्वाला शीतल करूंगा। ललकार का प्रतिकार करने में आ गया लंकेश, तुम हिरण भूमि को पीठ दिखाकर प्रस्थान कर गए थे। पीठ नहीं, हम तुम्हें नया पाठ सिखाने का सामान जुटाने गए थे। ये ले मेरा तामस अस्त्र। सहायता कर दी, युद्ध विराम होने के कारण तुम जीवित बच गए, परंतु कल तुम अपने पैरों से चलकर वापस नहीं जाओगे। समझ लो आज की रात्रि इस पृथ्वी पर तुम्हारी अंतिम रात्रि होगी। मुझे तो तुम्हारे सर पर अभी से काल मंडराता दिखाई दे रहा है। जो काल तुम्हें दिखाई दे रहा है वो मेरे बाणों में बैठा तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा है। तुम्हारे ये जो थोड़े से श्वास शेष रह गए हैं उनके समाप्त होते ही वो तुम्हें अपने पास में बांध लेगा। कल का युद्ध आज के युद्ध से भीषण होगा। संभव है कल का युद्ध ही अंतिम युद्ध होगा। निश्चय ही अंतिम युद्ध होगा। अब रावण की ओर से लड़ने वाला रह ही कौन गया है? दो चार सेना नायक और अकेला रावण। आप चिंता ना करें महाराज, हमारी विजय निश्चित है। अंतिम विजय हमारी ही होगी। यही रात भारी, बस एक रात की अब कहानी है सारी। यही रात भारी, बंधु बांधव न कोई सहायक, अकेला है लंका में लंका का नायक। सभी रत्न बहुमूल्य रण में गवाए, लगे घाव ऐसे के भर भी न पाए। दशा सोच में जागता है कि जो हो रहा उसका परिणाम क्या है। ये बाजी अभी तक न जीती न हारी। यही रात अंतिम यही रात भारी।
हो भगवान मानव तो समझेगा इतना के मानव के जीवन में संघर्ष कितना। विजय अंत तह धर्म वीरों की होती पर इतना सहज भी नहीं है ये मोती। बहुत हो चुकी युद्ध में व्यर्थ हानि पहुंच जाए परिणाम तक अब कहानी। वचन पूर्ण हो देवता सुखारी यही रात अंतिम यही रात भारी। प्रभु मैं मातली नामधारी देवराज इंद्र का सारथी हूँ। सुरेंद्र ने आपकी विजय की कामना से अपना दिव्य रथ आपकी सेवा में भेजा है। के पास ऐसा रथ कहां से आया? यह अवश्य देवताओं का षड्यंत्र होगा। हाँ महाराज, इस रथ को मैं भलीभांति जानता हूँ। यह स्वयं देवराज इंद्र का रथ है। इंद्र का यह साहस कि हमारे विमुख होकर वह राम की सहायता करता है। इंद्र, राम से निपटने के पश्चात तुम्हारे साथ भी लेखा चुकाना पड़ेगा। धर्म की मर्यादा भंग करने वाले पापी, तेरे समस्त पापों का दंड आज तुझे अवश्य मिलेगा। दंड देने का काम राजा का है, किसी भिखारी का नहीं। पहले प्रथम दंड, ये ले तेरा दंड।
थी पापी करनी का फल पाएगा। भर जाता है जब पापों का घड़ा, पापी को दिखे बस काल खड़ा, पापी को दिखे बस काल खड़ा। ब्रह्मा जी के वरदान से दशानन की नाभि में अमृत है। कुंडलाकृति से युक्त अमृत तत्व का मूल है वो। उसके प्रभाव से एक शीश कटते ही दूसरा शीश उत्पन्न हो जाता है। प्रभु, आप पहले आग्नेय शस्त्र का उपयोग करके नाभि विवर के मूल का अमृत सुखा दीजिए, तभी उसका अंत हो सकेगा। विभीषण, जब तक तू जीवित रहेगा राक्षस जाति का विनाश होते ही रहेगा। Thank you.
शीश मनुज तन धारा हो विजय पाप पर धर्म की होती जान गया जग सारा हो। अंत समय एक बार हृदय से जो श्री राम पुकारा हो राम विमुख ने राम सुमिर कर निज परलोक सुधारा हो यही वो रावण जिसके कारण ईश मनुज तन धारा हो। अस्मान विश्वानि देव वायुनानि विद्वान् योद्धस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। महाराज विभीषण की जय। महाराज विभीषण की जय। महाराज विभीषण की जय। जय राम सिया राम जय जय